में सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप दोनों में आता है पीवी प्लस टू। दोनों के ग्रुप रिएजेंट अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट HCl, और दूसरे ग्रुप का जो होता है वो होता है एसिडिक मीडियम में H2S गैस ग्रुप रिएजेंट। तो दोनों के टेस्ट अलग अलग है ना, दोनों में अलग अलग तरह के प्रेसिपिटेट बनने वाले हैं। अब दिक्कत क्या है कि जो फर्स्ट ग्रुप का जो प्रेसिपिटेट होता है वो होता है क्लोराइड प्रेसिपिटेट, और सेकंड ग्रुप का होता है सल्फाइड प्रेसिपिटेट। अब दोनों ग्रुप में एक आयन जो है बेसिक रेडिकल वो कॉमन है पीवी प्लस टू, तो दोनों के रिएजेंट अलग अलग है। तो फिर इसको दोनों ग्रुप में कैसे रखा गया, मतलब एक ही कंपाउंड या एक ही आयन दो अलग अलग ग्रुप के टेस्ट क्यों देगा? तो होता क्या है कि जो आपका लेड है पीवी प्लस टू, जब उसमें क्या डालते हैं HCl, तो HCl क्या करता है कि जब PbCl2 का प्रेसिपिटेट बनाता है तो अगर HCl एक्सेस में हो गया तो वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा PbCl4, ज़्यादा हो जाए तो वो बनाता है PbCl4- एक कॉम्प्लेक्स आयन जो वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो क्या हुआ, HCl डाला, PPT बना, लेकिन एक्सेस होने की वजह से क्या वो डिजॉल्व भी हो सकता है, तो हमें PPT नहीं भी मिला भाई, बना भी था लेकिन वो डिजॉल्व हो गया, तो वो टेस्ट मिल नहीं पाया। जब क्या करते हैं उसी HCl वाले सॉल्यूशन में क्या डालते हैं H2S गैस, तो कॉमन आयन की वजह से क्या होता है कि आपका जो HCl का जो डिसोसिएशन है वो बैकवर्ड जाता है, और क्या होगा आपका सल्फाइड आयन क्या कहते हैं लोअर ग्रुप का कंफर्मेशन देगा और लेड सल्फाइड बनेगा PbS, और लेड सल्फाइड बनेगा तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो वही पीवी प्लस टू जो फर्स्ट ग्रुप में प्रेसिपिटेट नहीं हुआ था वो प्रेसिपिटेट हो गया H2S की वजह से, तो वहां पर उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है। तो इसलिए हमने पीवी प्लस टू को दोनों ग्रुप में रखा है। अब सेकंड ग्रुप में और भी हैं, है ना, जैसे कॉपर है वो आपको मिलता नहीं, क्यों, क्योंकि कलर है ना, और भी चीज़ें फर्स्ट ग्रुप में भी और भी चीज़ें, जैसे कि सिल्वर है, मरकरी है, आर्सेनिक है, ना यस, और कैडमियम भी है। तो ये क्यों नहीं मिलते, क्योंकि कैडमियम और आर्सेनिक जो होते हैं, पूछा जाए बाइबा में कि फर्स्ट ग्रुप में कैडमियम और आर्सेनिक तुम लोगों को दिए क्यों नहीं जाते, जबकि इनके कंपाउंड कलरलेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कलरफुल है कलरलेस हैं, फिर भी नहीं दिए जाते क्योंकि ये हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, कैंसर क्रिएट करते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर क्रिएट करते हैं। तो क्या मतलब है कि तुम पानी में घोल रहे हो, टेस्ट कर रहे हो रेडिकल का, तुम्हें कैंसर हो जाए, इसलिए ये वाले रेडिकल्स या आयंस तुम्हें अवॉइड किए जाते हैं लैब में, और जो कलरफुल कंपाउंड होते हैं वो भी अवॉइड किए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं वो भी अवॉइड किए जाएंगे। ऐसे कंपाउंड जिनकी कुछ ना कुछ स्मेल हो, है ना, स्मेल हो, वो भी अवॉइड किए जाएंगे, क्यों, स्मेल से भी पता चल जाता है। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप में भी ऐसा होता है कि जो कलरफुल चीज़ें होती हैं वो अवॉइड की जाती हैं, क्योंकि उनका सामने से देखकर ही कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये क्या हो सकता है, तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ मिलेगी जो कलरफुल ना हो। सर फंक्शनल ग्रुप में कौन से कलरफुल होते हैं? कलरफुल में जैसे कि देखो आपका जो भी एमाइड है, अमाइड और अमीन, हाँ अमीन, जो अमीन एमाइड सब कलरफुल होते हैं, फिनॉल जो है, पर उसका भी तो कन्फर्मेटरी टेस्ट दिया है, हाँ लेकिन वो कलरफुल होता है। आपके नॉर्मली कलरलेस लिक्विड जो होते हैं वो होता है एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, मेजरली फिनॉल भी होता है, फिनॉल के क्रिस्टल अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है फिनॉल, लेकिन जो आपको दिया जाता है वो कलरफुल फिनॉल जो होता है, लिक्विड जो फिनॉल दिया जाता है ना, अरे लिक्विड स्टेट में जो फिनॉल दिया जाता है वो अवॉइड करते हैं, मैं बोल रहा हूँ जो कलरफुल स्टेट में, लिक्विड स्टेट में जो कलरफुल आपका फिनॉल जो होता है लिक्विड स्टेट में कलरफुल होता है, ब्राउन कलर होता है, तो वो अवॉइड किया जाता है क्योंकि और किसी फंक्शनल ग्रुप का कलर ऐसा नहीं है। अगर सॉलिड फॉर्म में दिया तो हाँ, तो फिर चेक करें, तो वही चीज़ है जो कलरफुल कंपाउंड्स हैं वो अवॉइड किए जाएंगे। अच्छा सर एक चीज़ और बताओ, फिनॉल को पानी में डाल दिया डिस्टिल वाटर में, ठीक है, तो ब्राउन कलर छोड़ेगा भाई? फिनॉल आपका कैसा है, एसिडिक, वो एसिडिक छोड़ी है क्या, वाटर में डिजॉल्व है, सॉल्युबल है, पीपीटी छोड़ता है, फिनॉल वाटर में सॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल बात करेंगे क्योंकि हाईली कार्बन चेन जो है कार्बन का नंबर ज्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर का हो गया, तो वाटर सॉल्युबल ही नहीं होगा। ब्राउन कलर कैसे छोड़ेगा, छोड़ेगा क्यों, वो तो सॉलिड बोला ना, लिक्विड सॉल्यूशन में ब्राउन कलर छोड़ता है, हाँ तो वो उसका लिक्विड स्टेट कैसे बनाएंगे, वो ब्राउन कलर का होता है जब हम पानी डालते हैं, तो ब्राउन कलर अलग ही रहेगा, फिनॉल अलग रहेगा, पानी से मिक्स नहीं होगा, इसका मतलब
फिनोल के लिए एक टेस्ट बताया गया है FeCl3 ब्रोमीन वाटर वाला। और एक और चीज पूछी जाएगी आप लोगों से, एक होता है फिनोल का जो कंफर्मेशन टेस्ट है न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, न्यूट्रल FeCl3 ये चीजें रोहित। न्यूट्रल FeCl3 का मतलब क्या है? देखिए FeCl3 आपको एसिड तो लग नहीं रहा, न्यूट्रल का क्या मतलब है? तो न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि FeCl3 का जो सॉल्यूशन होता है, हमें तो क्रिस्टल दे दिया जाती है, आपको सॉलिड दिया जाता है, आपको सॉल्यूशन बनाना होता है न्यूट्रल FeCl3 का। तो आप पानी डालोगे, तो पानी जब मिक्स करते होते हैं FeCl3 तो क्या बनता है कि आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है और HCl बनता है बाई प्रोडक्ट। तो HCl बनने से क्या हो गया, वो एसिडिक हो गया। तो हम क्या करेंगे उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या करेंगे, बेसिक कंपाउंड NaOH कोई भी बेस डाल दीजिए, तो क्या होगा कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है उसका जो PPT जो है कार्बन का PPT जो आपको मिलेगा जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो क्या होगा, वो जब न्यूट्रल होगा तो वो डिजोल्व होना, PPT डिजोल्व होना शुरू करेगा। आप कब तक बेस डालोगे, जब तक कि पूरा PPT डिजोल्व ना हो जाए। अब इस कंडीशन में जो आपका जो सॉल्यूशन है FeCl3 का उसे बोलेंगे न्यूट्रल FeCl3 प्लस वाटर प्लस एनी बेस, कोई सा भी बेस, वो आपके फिनोल के कंफर्मेशन टेस्ट में काम करता है। ठीक एक चीज़ बताओ सर, बंद कर दो।